गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे की इवनिंग और मैं अपने रूम में ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। ये थर्सडे को मैंने नहीं धोए, वेडनेसडे को धोए, लेकिन इनको मैंने तह नहीं किए थे, सब ऐसे ही रखे हुए थे और कुछ सूख रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ इनको तह करके रख देती हूँ। तह करके रखने के बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने। तो आज मैं आलू गोभी की बढ़िया ईजी सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और कम मसालों में बहुत अच्छी चटपटी सी सब्ज़ी बन जाएगी। तो आप ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करके ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए और आप मेरी नई वीडियो वॉच कर पाएँ। मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं तो सभी का बेल आइकन प्रेस कर देती हूँ कि जब मैं उन्हें देखूँगी तभी तो उन्हें पता चलेगा कि मैं उन्हें देख रही हूँ, और नोटिफिकेशन आएगी तभी शायद मैं उनको ईजिली देख पाऊँगी जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को अच्छे से तय करके रख दूँगी, इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। तो ये वेडनेसडे को मैंने कपड़े वॉश किए थे, थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। और कुछ लोग चैनल पे नए आते हैं और वो स्पैम मैसेज करके जाते हैं और शायद सब्सक्राइब भी करते हैं कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और मैं फिर वो मैसेज वीडियो में ढूंढती हूँ, नहीं मिलता, फिर मैं स्टूडियो में जाती हूँ, यूट्यूब स्टूडियो में, वहाँ पर स्पैम मैसेज में वो शो करता है। अब बताइए मैं कैसे आपको बैक करूँ, कैसे मतलब आपको इस पर जाऊँ, या तो मैं सर्च करके जाऊँ, फिर आपका भी लॉस हो जाना है, मेरा भी लॉस हो जाना है। तो इससे अच्छा आप प्लीज़ वीडियो को 4 to 5 मिनट ज़रूर वॉच करके ही कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े अच्छे से तय हो गए हैं, और जो डेली यूज़ वाले हैं उन्हें अलग रखूँगी, जो बाहर जाने वाले उन्हें अलग रखूँगी। और आज आप एक नई चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैंने काजल लगाया, और यहाँ पर मैं साइलेंट इसलिए थी क्योंकि बाहर बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, अच्छा नहीं लगता मतलब कि बोलो, थोड़ा सा भी शर्म आती है, लेकिन कुछ दिन बाद सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने काजल लगाया, और काजल लगाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेकअप में। मैं पहले बहुत काजल लगाती थी, फिर मुझे ये डार्क सर्कल्स हो गए, फिर मैंने काजल लगाना बंद कर दिया। मैं दिखा रही हूँ मैंने कान में कुछ भी नहीं पहने हैं। तो चलिए फिर इसके बाद किचन में चलते हैं और बनाते हैं डिनर, और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, और मैंने कपड़े रख दिए हैं यहाँ पर सारे अंदर, और मैंने छोटा ब्लैंकेट निकाल लिया है हल्का सा, ठंड होती है, थोड़ा पंखा चलाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर सोते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहले आलू गोभी को फ्राई कर लूँगी, और आलू गोभी की जो सब्ज़ी है, चाहे हम सूखी बनाएं या रसेदार, अगर थोड़ा सा सब्जी को फ्राई कर लेते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैं आलू और गोभी दोनों को फ्राई कर लूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं फ्राई करूँगी, हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करूँगी। तो ये थोड़ी सी आलू मेरी फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें गोभी डाल दूँगी साथ में, अलग अलग नहीं फ्राई करूँगी। तो ये सब्ज़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी, और मैं इसमें मटर भी डालूँगी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे मैं 5 मिनट तक आलू गोभी को और फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मेरे आलू और गोभी दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इसके बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी में मैं मसाला छोंक दूँगी, और आलू भी अच्छे से पक गई है। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम, कभी शूट नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी ऐसा कभी मन ही नहीं होता, जब देखती हूँ कि सब्सक्राइबर उतने के उतने ही हैं या जितने आते हैं चले जाते हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा तेल बचा है, और मैंने इसी में छौंकूँगी, आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा तेल है। तो मैंने तेज पत्ते को धुला हुआ था तो वो चटक रहा है, मैंने इसमें जीरा डाला है, दालचीनी डाली है और तेज पत्ता डाला, और कुछ भी नहीं डालूँगी, और कोई भी खड़े गर्म मसाला नहीं डालूँगी मैं। इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन प्याज को, जो मैंने प्याज डाल दूंगी, प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद ही मैं अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट मैंने बनाया है मैं वो डालूंगी,
और ये देखिए तेल, आप समझ सकते हैं कितना कम तेल है। मैंने तेल यहाँ पर कम इसलिए डाला है क्योंकि मैंने फ्राई किया है सब्जियों को, तो बहुत ज़्यादा तेल तेल वाली सब्ज़ी, वैसे भी ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो यहाँ पर ना मैं रस्से वाली बना रही हूँ आलू गोभी, जो थोड़ी कम रस्से वाली होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रेवी बनाकर नहीं डाली है प्याज की, सब मैंने खड़ा ही डाला है। और ये देखिए अब मैंने इसमें लहसुन अदरक मिर्ची का जो पेस्ट था वो भुनने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और जब ये इसी में साथ में मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे टमाटर गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला मैं डालूँगी, तो ये मैंने इसमें सब्जी मसाला भी डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को मैं भून लूँगी थोड़ी देर नमक डालकर, थोड़ा सा नमक इसलिए डालूँगी जिससे मसाले टमाटर वगैरह गल जाएं अच्छे से। और यहाँ पे मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी, और ऐसे जब नमक डालते हैं ना तो टमाटर वैसे भी गलेगा, पानी छोड़ देगा, तो उसके साथ मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो ये देखिए मेरे मसाले भुन गए हैं, मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। मटर को क्योंकि मैंने फ्राई नहीं किया था इसलिए मैं ऐसे ही इसमें डाल दे रही हूँ मटर। और ये मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, जो आपको अलग से दिख रहा था, इसमें वाइट दिख रही है, वो कसूरी मेथी थी। और थोड़ा सा कलर चेंज था, मैं भी सोचने लगी क्या है, और ये कसूरी मेथी थी। तो इन सारी चीज़ों को, मटर भी फ्राई हो गई है, मसाले भी फ्राई हो गए हैं, मैं इसमें आलू गोभी डालकर लगभग 2 से 3 मिनट तक ज़रूर फ्राई करना चाहिए सब्जी को अच्छे से मसालों के साथ में, जैसे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी क्योंकि मैंने नमक बहुत थोड़ा सा डाला था टमाटर गलने भर का। आप कलर से ही समझ सकते हैं कि टेस्टी कितनी टेस्टी सब्जी बनी रही होगी। अगर हम किसी भी सब्जी को बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, उसका कलर से ही पता चलता है कि हाँ इसमें टेस्ट तो होगा। ऐसे आप भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा तेल भी सेपरेट होने लगा है, तो अब मैंने नमक भी डाल दिया है। नमक डालने के बाद भी मैं 2-3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से, फिर मैं अपने इसमें पानी डाल दूँगी। और ऐसे बनाइए, झटपट से बन जाती है, बिना ग्रेवी वो बिना पेस्ट बनाए ही बहुत ही टेस्टी सी आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं तो ये कहती हूँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पता चलेगा कि कितनी टेस्टी यम्मी सब्जी बनी थी। और मेरी रेसिपीज़ रेगुलर वाली ही होती हैं, कोई रेस्टोरेंट और हलवाई स्टाइल नहीं होती हैं, जैसा हम रोज़ डेली में हम खाते हैं वैसी ही है। थोड़ा बहुत थोड़ा सा हाँ फ्राई किया है, तो थोड़ा सा हलवाई स्टाइल हो सकती है कि फ्राई कर मैं बना रही हूँ, डेली तो हम फ्राई करके नहीं बनाते हैं सब्जियों को। तो इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ढककर, तो आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मेरी सब्जी इतनी बढ़िया सी लाजवाब सी पक कर तैयार हो गई है। और ये देखिए मैंने बहुत हिसाब से पानी डाला था, ना ये बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है, और बहुत ही अच्छी सब्जी टेस्टी सब्जी बनी थी। और हाँ आज मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मैंने धनिया पत्ती अपनी सब्जी में डाली है, और आज थी मेरे पास धनिया पत्ती, होता है कभी कभी नहीं होती है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आलू गोभी की सब्जी में धनिया पत्ती ना पड़ी हो तो अधूरी अधूरी सी लगती है, तो आलू गोभी की सब्जी में तो मुझे बहुत पसंद है धनिया। तो ये देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी दिख रही है। तो चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं, और थाली लगा के भी मैं दिखाऊंगी। और कैसा लगा आपको मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है ना, और ये चावल, रोटी, प्याज और ये जो हरी मिर्च है बहुत ही तीखी है, पर मैंने रख दिया। और ये देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी और ये मिक्स दाल है। तो ये थाली लग चुकी है, सभी चीज़ें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम लोग तो राइस लवर हैं, हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम चावल खाते हैं, चावल तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये आलू गोभी की सब्ज़ी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और कभी मैं दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है मिक्स वाली सिंपल तरीके से, तो ज़रूर बताइए। ये मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग कल शाम से स्टार्ट हुआ था, कल शाम को मैंने इसको शुरू किया था, और ये पीछे मेरी बेटी लौट रही है, तो आज मैंने हेयर वॉश किया है अभी,
मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कुछ इस तरीके से किया जाए, हमेशा रेसिपी को दिखाते दिखाते एंड करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे एंड कर देती हूँ और इसके बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। होप कि आपको मेरी आलू गोभी की टेस्टी सी सब्जी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें तो नहीं शेयर कर सकती कि सभी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, और बस छोटा सा है जैसा मैंने जो भी किया मैंने शूट कर लिया। काफ़ी चीज़ें करती हूँ, ऐसा नहीं है इतने ही थोड़ा सा काम करती हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर हर चीज़ को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फैमिली में। और तो चलिए फिर यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। और जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच करके ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका भी लॉस हो जाता है, मेरा भी लॉस हो जाता है। बस अपना सपोर्ट बना कर रखिए। टेक केयर, बाय बाय।